Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Jagannath Baladev Subhadra Maiya ki jai, Radharaj Bihari Bhagwan ki jai, Radha Madhav Lalita Vishakas Sakhi Vrinda ki jai, Radha Syam Sundar Bhagwan ki jai, Laddu Gopal ji ki jai, Panch Tattva ji ki jai. Om Namah Parvatipati Har Har Mahadev Bhagwan ki jai, Ganga Mai Jamuna Mai ki jai, हनुमान जी महाराज की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, एकादशी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंद। कल जहाँ कथा विश्राम हुई थी, आज हम लोग फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज कौन मुझे बताएंगे कि कल कहाँ पे कथा विश्राम हुई थी? जो भागवत सुनते हैं, पीते हैं, मनन करते हैं, उनको भागवत का पूरा फल मिलता है। बाकी सिर्फ भागवत जी पाप नाशनी बन के रह जाते हैं। जीवन में सुनने का बड़ा लाभ है। भागवत सुनने से जीवन में अनेक अनेक जन्म के पाप कट जाते हैं, सुनने मात्र से। लेकिन मैंने क्या कहा, ये हाथी के स्नान के जैसा हो जाएंगे। पाप कट गए, फिर कथा बंद हो गई, फिर पाप शुरू हो गए, तो फिर जमा कर लिया, पहाड़ बना लिया। तो वास्तविक में कथा पीना चाहिए और उसका मनन करके रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग यहाँ पे विश्राम हुए थे कि किस प्रकार से वैष्णव लोग इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, और उसके विस्तार में उदाहरण में शिव जी और उनके पूरे परिवार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। तो महादेव होने के बाद भी भगवान के नाम गुण रूप लेना, कथा श्रवण में अपना मन को हमेशा डुबा के रखते हैं, उसमें से बाहर निकालते नहीं। तो यही कारण है कि वैष्णव जन मोह माया से अपना पीछा छुड़ा लेते। कैसे छुड़ा लेते? मोह माया से। आपने सुना कि परस्पर विरोधी स्वभाव वाले एक दूसरे को जो मार डालते हैं, देखना पसंद नहीं करते, उनका भोजन होता है ये प्रकृति के द्वारा नियत किया गया है। फिर भी भक्ति और भगवान के भजन का महिमा इतना है कि साथ में मिलके प्रेम से रहते हैं। तो यहाँ पे उपस्थित हम सब के लिए जो श्रद्धालु हैं, कुछ भक्त नव दीक्षित हैं, कुछ भक्त मध्यम अधिकारी हैं, कुछ ऊंचे अधिकारी हैं, कुछ परम शुद्ध भक्त हैं, और दिव्य रूप से अनेक देवी देवता और बहुत सारे जीवात्मा इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो यही शिक्षा है कि अगर मोह और माया से छूटना है तो निरंतर अपने मन को भगवान के नाम गुण रूप लीला में क्या करना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा। उस समुन्दर में, सागर में डुबा के रखना पड़ेगा। और इसीलिए इसको कथा सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुख सागर, कथा सागर, आनंद सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दीप, परम दीप आनंद का सागर, इस कथा को कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबके लिए परम शिक्षा शिव जी दे रहे हैं कि अगर जीवन में मोह माया से छूटना है, सभी प्रकार के मोह और माया का नाश करना है, तो निरंतर परिवार के साथ कैसे अपने धर्म पत्नी बच्चों रिश्तेदारों के साथ, घर में जितने भी लोग हैं चाहे वो पशु क्यों ना हो, उनको भी भगवान की कथा सुनाना चाहिए, बिठाना चाहिए। और वो सुनते हैं, नहीं सुनते ऐसे नहीं, हम समझते नहीं सुनते क्योंकि हमारा बुद्धि मलिन है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जब चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन करते हुए झारखंड से गुजर रहे थे, झारखंड, तभी उस संकीर्तन को सुन के जंगल, झारखंड का जो जंगल है उसमें से सभी जितने भी जंगली प्राणी थे दो पैर पे खड़े होके हरि नाम बोल रहे थे, अपनी भाषा को छोड़ दिया, वो हरि नाम उच्चारण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार वैष्णव जन, जो वैष्णव है, शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं, पार्वती जी वैष्णव देवी को परम वैष्णवी मानते हैं। पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं। कौन है? नारद जी। नारद जी भी परम वैष्णव और भगवान के अवतार भी हैं। तो ये सभी हरि नाम करते, क्या करते? हरि नाम करके संसार का जो माया है, मोह है, उससे पीछा छुड़ाते हैं। तो वैष्णव लोगों को हमेशा भगवान का हरि नाम करना चाहिए और इस संसार का जो मोह माया है उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, उसको नष्ट करना चाहिए। तभी इस भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया है उससे पीछा छूटेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन और कथा सुनते रहना चाहिए। तो हम लोग आगे के श्लोक में जाएंगे और इस प्रकार से आज भागवत जी का एक नया श्लोक सुनेंगे और उस पर फिर विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। मुख ग्रास त्रास निर्नाशे श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम शास्त्रम फलो फलो तीरने भसितम भासितम काल व्याल मुखाग्रस स्वनिर्दास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम फलो तीरने भासितम। श्री सुखदेव जी कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। कह रहे हैं आगे मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं उसके दूसरे श्लोक में? पहले श्लोक में कह रहे कि श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है।
जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव जी महाराज क्या क्या कह रहे हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य, जन्म जन्मांतर के पुण्य, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। और मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। और कलयुग में जो जीव है, जो काल के गाल में चले जाने वाले हैं, उससे बचने के लिए भागवत जैसा कोई शास्त्र नहीं है, इसलिए इसका प्रवचन किया है। तो हम इसको थोड़ा सा समझते फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऊंचा बात है, वो ये है कि कहने की मन का शुद्धि के लिए इससे ऊंचा और कोई साधन नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो अगर मन को शुद्ध करना है, मन को अगर पवित्र करना है, मन को अगर ऊंचा उठाना है, तो इससे, इस भागवतम जो शास्त्र है, इससे ऊंचा और कोई ना तो ग्रंथ है, ना ही कोई कथा है, और ना ही कोई दूसरा विषय है। मन की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मन जो पांच इंद्रियां और उसका जो मालिक है, मन इंद्रियों का जो स्वामी है, पांच इंद्रियों का स्वामी वो कौन है? मन है। पांच इंद्रियां आप सब लोग जानते हैं, नाक कान जीवा आंख और त्वचा, ये पांच इंद्रियां हैं। और उनका स्वामी है मन। कौन है? मन। तो ये जो मन है उसको कह रहे हैं, पांचों को नहीं कह रहे। इन पांचों का जो मालिक है उसको कह रहे कि वो शुद्ध होना जरूरी है, और उसके लिए भागवत शास्त्र ही सबसे उपयुक्त है। और जब मन शुद्ध हो जाता है कई जन्म के हरि नाम के बाद, कई जन्म तक हरि नाम करने के बाद, शुद्ध हरि नाम, लोग तीन प्रकार से हरि नाम करते पड़ा। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से हरि नाम होता है। एक तो माला जपते रहते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला करते रहते हैं। और संसार का कथा करते रहते हैं, संसार का, दूसरे का बातें, दूसरे की निंदा, या संसार में आसक्त रहते हैं। इसको कहते हैं नाम अपराध, नाम के साथ अपराध करते रहना। दूसरा जो नाम है, जप है, कीर्तन है, उसको कहते हैं नामाभास। नाम जप करते रहते हैं और कुछ कुछ ये चिंतन होता है, मनन होता है, कुछ सेवा कर लेते हैं, कुछ भगवान का आयोजन में अपना योगदान देते हैं, कुछ दान धर्म, कुछ तीर्थ यात्रा करते हैं, इनको नामाभास कहते हैं। अच्छा विग्रह की भी सेवा करते, घर में रखते हैं, लेकिन संसार में आसक्त रहते हैं, मन शुद्ध नहीं, चंचल रहता है। ये सब करते हुए भी मन इधर उधर रहता है, एकाग्र नहीं रहता, ये नामाभास वाले। और जो शुद्ध नाम जप है, जो नाम जप शुद्ध तरीके से करते हैं, वो कैसे करते हैं? बिल्कुल भगवान का दर्शन करते हुए नाम जप करते हैं। जगन्नाथ जी आज गणपति वेश में है, कैसे है? जगन्नाथ जी आज गणपति वेश में है, वो गणपति वेश का दर्शन करते हुए उनका नाम जब चलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस प्रकार से वो नाम जप करते रहते, कैसे लीला दर्शन करते हुए भगवान का स्वरूप का दर्शन करते हुए नाम जप करते हैं। तो ऐसे जो नाम जप करते हैं इसको शुद्ध नाम, उनका मन भटकता नहीं, एकाग्रचित होकर रहता है। ऐसे जो नाम जप करते हैं उनको भगवान का अनेक प्रकार का दर्शन अनुभूति होता है, भगवत स्वरूप का अनेक प्रकार के अस्त विकार उनको उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होते रहते। कभी वो नाम जप करते करते रोने लग जाते, कभी वो नाचने लग जाते, कभी वो छटपटाने लग जाते, कभी गाने लग जाते। इस प्रकार से शुद्ध नाम जप का महिमा है और ऐसे नाम जप से भगवत प्राप्ति संभव होता है। ये शुद्ध नाम जप के बाद भी शुद्ध सत्व आता है, जहाँ पे एकदम भगवान के दर्शन के अलावा भगवान के कीर्तन के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। ये जगत शून्य हो जाता है, जगत में उनको कुछ नहीं दिखता, हमेशा भगवान का दर्शन नाम उच्चारण होता है। ऐसे लोग भगवत प्राप्ति करते हैं, भगवान का उनको प्राप्ति होता है। ऐसे जीव बहुत सारे संसार में हुए, उसमें से एक जीव थे जिनका नाम था गणपति भट्ट। क्या नाम था? गणपति भट्ट, जो इसी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, कहाँ के? इसी महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में वो बेलगांव एक जगह है, बेलगांव जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर है, वहाँ के थे वो। भगवान जगन्नाथ के अनंत भक्त थे, विट्ठल की भी वो भक्ति करते थे। विट्ठल मीन्स कृष्ण, जगन्नाथ मतलब कृष्ण, ये जगत के नाथ कृष्ण है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, ये आने के बाद भी पूछते हैं ये कौन सा मूर्ति है। क्या पूछते हैं यहाँ आने के बाद? ये किनका मूर्ति है? तो हम लोग उनको बताते हैं कि आपके असली पिताजी का मूर्ति है, जो संसार में वो तो नकली है, छोड़ के चले जाएंगे आपको, ये हमेशा साथ में रहेंगे। ये जगत के नाथ जगन्नाथ है। कौन है? जगत के नाथ जगन्नाथ है, कृष्ण है, राम है, यही आनंद के कारण है। आपको जो भी आनंद होता है इनसे ही होता है। तो इस प्रकार से उनको बताया जाता है। यहाँ पे तो सबको ठीक ठीक मालूम है ना कि यही जगन्नाथ है, कि किसी को नहीं मालूम है। तो गणपति भट्ट जी भगवान के अनन्य भक्त है, तो उन्होंने एक बार इच्छा जाहिर की कि हे भगवान, मैं आपके धाम जगन्नाथपुरी आकर के आपका दर्शन करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने जगन्नाथपुरी भगवान का चिंतन मनन कीर्तन नाचते गाते हुए जगन्नाथपुरी चले गए। आपको मालूम है पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा लोग पैदल करते थे। कैसे करते थे? पैदल चल के जाते थे, आज की तरह नहीं ऐसी गाड़ी, फोर व्हीलर, हवाई जहाज। आज तो यात्रा में लोग जाते हैं, अगर एक टाइम पानी भी कम पड़ गया ना तो उदास निराश हताश हो जाते, पानी नहीं मिला आज क्या यात्रा करेंगे। वो जमाना था जब पैदल लोग हजार हजार दो दो हजार किलोमीटर चल के जाते थे और यात्रा करते थे। तो आप सबने एक और कथा सुना होगा, यहाँ पे कहना जरूरी है कि किस प्रकार से यात्रा और वैष्णव जन का मन शुद्ध होता है, मन भगवान में होता है,
वो हर जीव में भगवान का दर्शन करते हैं, इतने पवित्र होते हैं। इसी महाराष्ट्र के एक संत है जिनका नाम था एकनाथ महाराज। क्या नाम था? एकनाथ महाराज। पैदल चल के एक महीने की यात्रा करके वो काशी से कहा जा रहे थे महाराष्ट्र पंढरपुर, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आए अपने जो उनका ग्राम है, निवास है वहां, और वहां से गंगा जल भर के लाया था एक मिट्टी के बर्तन में कि गंगा जल रखूंगा और घर में पूजा पाठ में काम आएगा। उनके गांव से पहले उनको गर्मी बहुत हो गई थी, रास्ते में गांव से थोड़ा ही पहले एक गधा, गधा जीव जो जानवर होता है, वो पानी के बिना तड़प रहा था, छटपटा रहा था, मरने वाला था। और जब उन्होंने एकनाथ जी ने देखा कि गधा मर जाएगा प्यास के बिना, तो जो इतने हजारों किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर है यात्रा जो करके वो जल लेके आ रहे थे, वो जल गधे को पिला दिया। किसको पिला दिया? गधे को पिला दिया, और गधा पानी पी के अच्छा हो गया, जिंदा हो गया, एकदम तंदुरुस्त और आनंद से वहां पे खड़ा हो गया। एकनाथ जी को बहुत आनंद हुआ कि मेरा गंगा जल लाना सार्थक हो गया, किसी जीव के काम आ गए। लेकिन उनके गांव के जितने भी विद्वान थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, भक्त थे, जो कि कैसे थे, ऊपर से भक्त थे, अंदर से कच्चे थे बहुत। ऊपर से तो भक्त थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, विद्वान थे, अंदर से अहंकारी थे, बहुत उनको अहंकार था। सभी हंसने लगे उनके ऊपर। इनके ऊपर? एकनाथ जी के ऊपर, कि देखो कैसा मूर्ख है, एक महीने की तीर्थ यात्रा करके गंगा जल लेके आया और गधे को पिला दिया, ये तो गधे से भी गया गुजरा है। उन विद्वानों को, पंडितों को, मूर्खों को क्या लग रहा था, वो गधा है। लेकिन वहां पे एकनाथ जी ने प्रवचन किया, भाई तुझे गधा दिख रहा है, मुझे तो इसमें भगवान दिख रहा है, मुझे तो इसमें विठ्ठल दिख रहा है, क्योंकि जिसमें भगवान है वही जीव जिंदा रहता है, वही जीव चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, कंकन में भगवान है। इसको तो अपने कर्म फल के कारण गधे का शरीर मिला है, लेकिन इसके अंदर तो भगवान ही विराजमान है। तो मैंने तो भगवान को अर्पित कर दिया, मुझे तो इसमें भगवान दिख रहा था, आप लोग को गधा दिख रहा था, ये आपकी स्थिति है। बड़े लज्जित हुए सभी, बहुत उनको शर्म आई, और वहां से सभी भाग गए मुंह छुपा के। तो इस प्रकार से गणपति भट्ट जो थे, नाचते गाते कीर्तन करते हुए जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथपुरी पहुंच गए। और जगन्नाथपुरी जब पहुंच गए तो उनको एक इच्छा हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग हैं ना, गणपति जी के बहुत भक्त रहते, गणपति उनको बहुत प्रिय है, तो वहां जाके उनको एक इच्छा हुई कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको एक इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई, कि हे जगन्नाथ जी, सब लोग बोलता है आप जगत के नाथ हैं, और मैं भी जानता हूँ कि आप जगत के नाथ, जगन्नाथ है, कृष्ण है, परम भगवान है, लेकिन कुछ अधर्मी ऐसे हैं, कुछ संशय आत्मा ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप परम भगवान नहीं है, परम भगवान गणपति है, परम भगवान अनेक देवी देवता है, अनेक साधु संत महात्मा है, वे भ्रमित रहते हैं, कैसे रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, उनका पक्का विश्वास नहीं कि आप ही परम भगवान है। तो मेरी ऐसी ही इच्छा है कि आप सच में परम भगवान है तो आप मुझे गणपति के रूप में दर्शन दीजिए। कैसे दर्शन दीजिए?
गणपति के रूप में दर्शन दीजिए। अगर आप भगवान हैं, आपके बारे में कहा जाता है भागवतम में और अनेक ग्रंथों में, अनेक साधुओं के द्वारा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप सभी कारणों के कारण हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो कृपा करके आप मुझे गणपति वेश में दर्शन दीजिए। मुझे पक्का विश्वास है और होगा, और मैं बाकी लोगों को ये कह सकूंगा कि जगन्नाथ के अलावा और कोई भगवान परम भगवान नहीं। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वो कीर्तन करके नाचने लगे। अस्त विकार हो रहा था, रो रहे थे, गला उनका रुंध गया था, आवाज नहीं निकल रही थी, आंख से आंसू निकल रहे थे और रो रहे थे इसी विचार में कि संसार में कैसे कैसे लोग हैं, भगवान को मैं कष्ट दे रहा हूँ, उनको गणपति बनने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उन सभी संशय आत्मा का निवारण होगा। इसी भाव से वो बेचारे रो रहे थे और भगवान से निवेदन कर रहे थे। और देखते ही देखते क्या हुआ, जब भगवान को है ना भोग लगाने के टाइम थोड़ा सा पर्दा बंद कर देते, फिर खोल देते, थोड़ा सा पर्दा बंद कर देते, फिर खोल देते, तो देखा कि जैसे ही पट खुला तो भगवान गणपति वेश में उनको दर्शन दिया, किनको, गणपति भट्ट को। जब जैसे पट खुला भोग के बाद भगवान उनको गणपति वेश में दर्शन दे रहे थे, बिल्कुल गणपति बन के अल्टर में खड़े थे भगवान। और जैसे ही उनका संकीर्तन में से ध्यान हटा, उनका जो एकदम समाधि में चले गए थे, बाहर निकले, आँख खुला तो देखे भगवान गणपति बन के घर में।